प्राइमरी तो यही, लेकिन ये नहीं कहा सकता है कि ये यहीं पे स्टॉप हो जाते, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति दिमाग में आ गई थी, क्योंकि असलहे ले लेना और इस तरह की गाड़ी, एक मोटरसाइकिल लूट पहले भी कर दिए, उसके बाद ये लूट का अंजाम, तो ये इनका कहना है कि हम कर्जे के चलते, लेकिन एक आपराधिक प्रवृत्ति जनरेट हो गई थी, इससे इनकार नहीं किया सकता है, क्योंकि सुनियोजित प्लान तरीके से असलहे का व्यवस्था करना और घर में घुस के जिस तरह से बर्बाद किए हैं वो प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने किया पूरी तरह से घर में। हमें थोड़ा खुलासा हुआ है और कितने लोग पकड़े गए और कितने लोग इसमें शामिल, तो क्या क्या बरामद हुआ? इस महीने की 9 तारीख को थाना फाफा मऊ क्षेत्र में गद्दोपुर गांव में एक घर पे रात को डकैती पड़ी थी, जिसमें 8 अपराधी घर में घुसे थे और तमंचों के बल पे वहाँ से 25,000 कैश, एक मंगलसूत्र, एक चेन और एक अंगूठी, साथ ही साथ वादी के घर से 2 मोबाइल फ़ोन लूटे थे और निकलते समय वहाँ से 2 वाहनों को भी लूट के ले गए थे, एक 4 व्हीलर शेवरोले स्पार्क और एक होंडा साइन मोटरसाइकिल लूट के ले गए थे। अज्ञात में अभियोग पंजीकृत हुआ और ADG सर और IG सर के क्लोज मॉनिटरिंग में, उनके मार्गदर्शन में, SP गंगापार और ASP चिराग जैन के क्लोज नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और फाफा मऊ की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया। इस घटना में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया, इनके पास से लूटी गई कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स, कैश और ज्वेलरी ये बरामद की गई है, साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त 3 असलहे और कारतूस भी इसमें बरामद किए गए हैं। घटना के पीछे की मोटिव जैसा स्पष्ट है, डकैती आर्थिक लाभ के लिए की जाती है, परंतु इसमें जो एंगल सामने आया कि इसमें जो अपराधी थे वो पहले के पुराने प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थे, ये स्टूडेंट्स थे और इन्होंने इनके एक साथी ने उधार ले रखा था, लगभग 2,80,000 रुपया नकद ले रखा था, तथा जो उधार देने वाला है उसने इसमें 70,000 सूद जोड़ रखा था, कुल 3.5 लाख की उधारी थी और उधार चुकाने का दबाव उनके, क्योंकि जिसने उधार लिया था वो यहाँ से चला गया था, दूसरे स्टेट का रहने वाला था, वहाँ चला गया था, तो उनके साथियों पे दबाव पड़ रहा था। इस जो इनका कहना है कि इस कारण ये इस तरह के आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए निकले। इन्होंने एक और मोटरसाइकिल लूट की घटना की थी, उसका भी अनावरण हुआ है, इस घटना का अनावरण हुआ है, शेष इसमें 2 अभियुक्त अभी बचे हुए हैं, जल्द ही हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे और जो बची हुई बरामदगी है उसको सुनिश्चित कराएंगे। सर, पूरी घटना में से सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि